हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रभ के। आज मैं आपके सामने एक नई रेसिपी लेके आई हूँ, जो है सोया चाप एंड मशरूम की रोस्टेड रेसिपी। इसको हम पहले मैरिनेट करेंगे और उसके बाद हम इसको रोस्ट करेंगे। तो आइए देखिए न्यू रेसिपी। सबसे पहले हम ये सोया चाप धो चुके हैं, इसको हम स्टिक्स को बाहर निकालेंगे। वॉश करने के बाद अब इसको हम एक बाउल में काटेंगे। छोटे छोटे पीसेस, ताकि हमारा जो मसाला है वो सारा का सारा पेनिट्रेट हो जाए और टेस्ट में अच्छा हो। ऐसे मशरूम हमने काट ली है, अब मशरूम काटेंगे। सोया हमने काट ली है, थोड़े बड़े पीसेस रखेंगे मशरूम के। बड़े हैं तो 4 पीसेस मशरूम के कर लेंगे, छोटी मशरूम है तो हम 2 पीसेस कर लेंगे, क्योंकि जब इसको हम रोस्ट करेंगे तो ये और ज्यादा स्क्वीज हो जाती है। आपने देखा ये सारा कुछ हमने काट लिया। अब हम इसके अंदर सबसे पहले किचन किंग, गरम मसाला, थोड़ा तीखा ज्यादा अच्छा, पंजंट पसंद है तो थोड़ा ज्यादा गरम मसाला, नहीं तो बहुत थोड़ा सा। अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट बहुत जरूरी है इसके अंदर, नहीं तो आपको फ्लेवर नहीं आएगा। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च, नमक, थोड़ी सी हल्दी, और अगर आपको इसको ऑरेंज कलर देना है तो आप इसमें ऑरेंज कलर यूज कर सकते हैं, इट्स ऑप्शनल। अब हम इसके अंदर दही मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर फ्रेश मलाई भी यूज कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर दही यूज किया है। इसको बाउल थोड़ा छोटा हो गया। इसको मिक्स करेंगे। इसके अंदर अब हम नींबू डालेंगे। आपको बाउल थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा, नहीं तो ये ठीक से मिक्स नहीं होगा। फ्रेश नींबू, ये मैरिनेट करके हम इसको आधा पौना घंटे बनाने से पहले रखेंगे, उसके बाद हम इसको ओटीजी में रोस्ट करेंगे।
ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही डिलीशियस डिश है, जिसके अंदर ऑयल, बटर, क्रीम कुछ भी नहीं है। हम इसको बड़े बाउल में शिफ्ट करके इसको मिक्स करेंगे। कलर के लिए मैं आपको फिर बता रही हूँ कि अगर आपने इसको रेड कलर करना है तो आप इसको पनीर वाला कलर मिक्स करके ऑरेंज कलर ला सकते हैं। मैंने इसमें हल्दी मिक्स की है, इट इज टोटली ऑप्शनल, आप जो कलर चाहें वो यूज कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करना है, नहीं तो ये मसाला ठीक से पेनिट्रेट नहीं होगा, हर एक पीस पे लगना चाहिए मसाला। हाँ, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, उम्मीद है कि बहुत अच्छा टेम्पटिंग बनेगा। सो गाइस, हमारा मैरिनेशन हो गया, अब हम इसको हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स इसको रखेंगे। और हाँ, आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट, मैंने इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट मिस कर दिया जो कि मैं अभी ऐड करूँगी, वो है चाट मसाला। चाट मसाला बहुत ज़रूरी है, भूल गई थी मैं डालना, अभी याद आ गया। वन और टू टेबल स्पून चाट मसाला इज इनफ, इसको डाल के आप इसको मिक्स कर देंगे। लीजिए, मैरिनेशन हो गया, अब वी विल वेट फॉर एटलीस्ट 30-45 मिनट्स, हम इंतज़ार करेंगे कि जो मसाला है पूरी तरह से पेनिट्रेट हो जाए एक एक पीस के अंदर। उसके बाद हम, तब तक हम OTG को ऑन करेंगे और इसको 20 मिनट के लिए प्री हीट करेंगे। टेम्परेचर सेट किया हमने इसका 160 पे और 20 मिनट्स के लिए इसको प्री हीट करेंगे OTG को। और ट्रे में हमने इसकी जो बेकिंग ट्रे होती है उसके अंदर हमने ये फॉइल पेपर लगा दिए। 20 मिनट के बाद हम इसको रोस्ट करेंगे। लेट्स वेट। 20 मिनट हो गए हैं और ये हमारा जो ओवन है प्री हीट हो गया है। अब हम जो मैरिनेशन थी वो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, टाइम पूरा हो चुका है। सोया चाप और जो मशरूम है हम इसके अंदर लगा देंगे। थोड़े थोड़े गैप पे हम इसको रख देंगे। पंद्रह मिनट के लिए हम इसको पहले रखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे निकाल के, अगर इसको जरूरत होगी तो 5 मिनट के लिए और रखेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, इसको देखेंगे। हाँ, अभी इसको 10 मिनट और होंगे। 10 मिनट के लिए हम टेम्परेचर का जो है
टाइमर और बढ़ाएंगे। अब 10 मिनट के बाद हम इसको फाइनली निकाल लेंगे। टोटल 20-25 मिनट हो चुके हैं और ये रेडी है। अब हम इसको बाहर निकालेंगे, इसको हम अब बाहर निकालेंगे। यस, इट्स कंप्लीटली डन। इसको हम थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, फिर सर्व करेंगे ग्रीन चटनी के साथ। फिर सर्व, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही यम्मी है। आप इसको जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए आपको कैसा लगा इसका टेस्ट। और मेरे चैनल प्रभके को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।